हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग लाइव बनेंगे और आज हम सीखने वाले हैं मेरे भाई, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसे हम बोलेंगे दोस्तों पावर फैक्टर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो आइएगा इस सेशन को प्रॉपर वे में समझते हैं दोस्तों, और इसके महत्व को समझते हैं कि आखिर आपके जब एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बनेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है? आइएगा, हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं चाहूंगा इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, आखिर पावर फैक्टर। बॉक्स में, ठीक है? पावर फैक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो मेरे भाई। चलेगा, तो क्या सारी चीजें सही से दिख रही हैं आप लोग? सारी चीजें क्लियर है भाई? एक बार हमें बताते रहेंगे क्या सारी चीजें क्लियर हैं? सारी चीजें क्लियर है भाई? सारी चीजें ओके है भाई? जल्दी जल्दी बताते रहेंगे आप लोग। चलिएगा, एक बार सभी लोग जल्दी से बता दीजिए क्या सारी चीजें आपको दिख रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही हैं, चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है यार? यार यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्या? चलेगा, आप लोग एक बार बता देंगे क्या सारी चीजें क्लियर से चल रही हैं भाई, और नहीं भी चल रही है तो उसके बारे में भी बता देंगे आप लोग हमें, ठीक है? जल्दी जल्दी से बताते रहेंगे, जल्दी जल्दी करिएगा। चलेगा, मुझे लगता है सारी चीजें ओके हैं भाई, ठीक है? अब दोस्त हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अपने सेशंस को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? सेशंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी जाके मजा आने वाला होगा। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है हमें, हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर की। आखिर पावर फैक्टर क्या होता है सबसे पहले यही जानना है दोस्तों। एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि हम बात करते हैं दोस्तों जब भी पावर फैक्टर की, तो यह दो चीजों के बीच का एंगल होता है। पावर फैक्टर किनके किनके बीच का एंगल होता है बोलेंगे सर? दो दो सही चल रहा है भाई, यार क्या प्रॉब्लम आ रही है यार? ध्यान रखिएगा, अब पावर फैक्टर को समझते हैं। हमने कहा दोस्तों पावर फैक्टर, दोस्तों पावर फैक्टर का सिंपल सा मतलब है कि पावर फैक्टर दो बीच दो दो क्वांटिटी के बीच का एंगल है। अब दोस्तों ये दो क्वांटिटी क्या हो सकती है दोस्तों? दो क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास, दो क्वांटिटी हमारे पास, एक तो हमारे पास वोल्टेज रहेगा दोस्तों, ठीक है? दो क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, पहला तो रहेगा दोस्तों वोल्टेज, और दूसरी की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, एक तो हमारे पास करेंट रहेगा, ठीक है? वोल्टेज और करेंट, अब इस बात को जो भी स्टूडेंट समझ जाएंगे वो इस बात को पूरी अच्छे तरीके से मैं समझ बता पाऊंगा। वोल्टेज और करेंट के बीच का जो एंगल होता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है? तो क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, या फिर आप लोग लिख सकते हो कोसाइन एंगल, ठीक है? कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो पावर फैक्टर के डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है दोस्तों, या वोल्टेज और करंट के बीच के, या वोल्टेज और करंट के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। तो चीजें हमारे पास अलग तरीके से हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम जिस तरीके से चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो आइएगा दोस्त पावर फैक्टर को सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा आज थोड़ा सा इंग्लिश इंग्लिश हो जाए, बाकी हम अप्लीकेशन पे दोस्तों हिंदी में सारी चीजें कराएंगे, ठीक है? आइएगा, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का जो डेफिनेशन होगा दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे? कोसाइन, ठीक है? क्या लिखोगे? कोसाइन एंगल। अब कोसाइन का जब भी बात की जाएगी दोस्तों, तो कॉस थीटा से होता है, और दोस्तों मैंने आप लोगों को उसमें बेसिक में बता रखा है कि पावर फैक्टर को बेसिकली कास फाई से डिनोट किया था, बोला था या नहीं बोला था? पावर फैक्टर जो होता है यही होता है मेरे भाई, ठीक है? अब ये जो पावर फैक्टर था दोस्तों, देखा था आप लोगों, जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल जो होता है एंगल,
इसी को हम बेसिकली फाई बोलते हैं, फैक्टर है मेरे भाई। तो ये फैक्टर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज भी है करंट भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पावर फैक्टर को कॉस फाई से डिनोट किया जाता था, तो इस बात को समझिएगा। कहा गया कि को साइन एंगल बिटवीन बिटवीन किसके किसके भैया, बिटवीन दो बोलेंगे वोल्टेज एंड करंट, यही चीज ध्यान रख लीजिएगा। वोल्टेज वोल्टेज एंड करंट करंट इन कौन से सर्किट मेरे भाई। अच्छा, पावर फैक्टर हम जब भी बात कर रहे थे दोस्तों, तो एसी सर्किट की बात की जाती है, ठीक है। इन एसी सर्किट पूरा लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं सेकेंडरी, ठीक है। इन या इज लिखिएगा, इज नोन एज पावर फैक्टर, ठीक है। इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं, एक लाइन का डेफिनेशन है मेरे भाई। कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज या इन एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर, यानी कहने की बातें हैं मेरे भाई कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, ठीक है, या वोल्टेज और करंट के बीच के कोसाइन एंगल को ही या कोसाइन कोण को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर कहते हैं। ये बात हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि वोल्टेज, ठीक है, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे हिंदी में, किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज तथा करंट के कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। चीजें हमारी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को जब आप लोगों को पूरा थ्योरेटिकल बातें बताऊंगा तो वहां पे भी बताऊंगा। अब बात की जाती है दोस्तों पावर फैक्टर हमारा कैसा कैसा हो सकता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर के नेचर की हम बात करना चाहेंगे, किस किस नेचर का हो सकता है। तो लिख देते हैं, हेडिंग रहेगी दोस्तों नेचर ऑफ पावर फैक्टर। अब दोस्तों ये किस नेचर का होगा इस बात को भी हमें समझना है। तो मैंने आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब आप लोगों को पढ़ा रहा था दोस्तों, क्या पढ़ा रहे थे सर, सिंपल से मैं पढ़ा रहा था दोस्तों एसी सर, फंडामेंटल एसी। तो मैंने बताया था दोस्तों पावर फैक्टर हमारे पास तीन प्रकार का होता है। यार कहाँ जा रहे हो तुम दोस्तों, मैंने वहां पे बता रखा था कि आपका पावर फैक्टर जो होता है तीन प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा सर, एक तो होता है दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर, कौन सा, यूनिटी पावर फैक्टर। एक तो होता है दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। और एक तो होता है दोस्तों हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर। क्या होता है भाई, बोलेंगे सभी लोग बोलते रहेंगे पावर फैक्टर, ध्यान रखिएगा आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। एक होता है दोस्तों, एक हमारे पास होगा लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपको यहीं पे याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। सबसे पहले आप लोग जहां बैठे वहीं बोलिएगा, आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि वोल्टेज तथा करंट के बीच का जो एंगल होता है, या वोल्टेज तथा करंट के बीच के कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। और मैंने दोस्तों बोला है कि पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर को पीएफ से हम डिनोट कर रहे हैं, पावर फैक्टर को बेसिकली हम कॉस फाई बोलते हैं। और ये जो फाई होता है दोस्तों, ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, किसके, वोल्टेज और करंट के बीच का। अच्छा, कोसाइन का मतलब समझ गए कि नहीं, ये जो कॉस थीटा है दोस्तों इसी को हम कोसाइन बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात की जाए नेचर ऑफ पावर फैक्टर की, तो हमारे पास पावर फैक्टर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। दोस्तों हमने आप लोगों को तीन सर्किट भी पढ़ाई थी, ठीक है, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। वहां से हमारी ये चीजें निकल के आती हैं कि हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा, लैगिंग पावर फैक्टर कब होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे लिए जो हानिकारक होता है वो होता है लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं, पुअर पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो नाम हम आगे पढ़ते चलेंगे क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है लैगिंग पावर फैक्टर, हमारी मशीनों के लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोग भी अपने जीवन में आगे जाना चाहते हो या पीछे जाना चाहते हो, कहते हैं लैग कर रही है हमारी मोबाइल, तो मोबाइल के लैग करने का मतलब वो चीजों को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो लैगिंग का मतलब आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। यूनिटी पावर फैक्टर का क्या मतलब है, कहते हैं हम लोग यूनाइट हैं, तो यूनाइट मतलब सब लोग एक हैं, ठीक है। तो यूनिटी का सिंपल सा मतलब है एक होता है मेरे भाई, ठीक है। अब बात की जाएगी लीडिंग की, तो लीडिंग का मतलब क्या होता है, किसी से आगे होगा, ठीक है, किसी से आगे होगा तो उसी को हम लीडिंग बोल देंगे दोस्तों। अब किससे आगे होगा, वोल्टेज से आगे होगा, करंट से आगे होगा, दो ही चीजें यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों। एक तो वोल्टेज देखेंगे और एक तो करंट देखेंगे, क्योंकि एंगल हम दो ही चीजों के बारे में देखते हैं। एंगल हमारा किसके किसके बीच में है, बोलेंगे सर एक तो वोल्टेज, हमारे पास करंट है, दो ही चीजों के बीच में हम एंगल को देखते हैं। ये बात क्लियर होगी तो आप लोगों को मजा आएगा कि आखिर हम पावर फैक्टर किसे कहते हैं, पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है, इसका नेचर क्या है, ठीक है। आइएगा दोस्त, अब हम एक एक करके हम अपने पावर फैक्टर को और भी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है दोस्त। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जितना अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इससे अच्छा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई,
ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं इससे अच्छा तरीका हो सकता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों की? चलेगा। तो दोस्तों आगे चले, हम आगे चले भाई, सभी लोग बताते रहेंगे। अब दोस्तों कोई कोई पूछ लेता है कि यूनिट के बारे में। हाँ, ये बात बहुत अच्छी याद रहती है। ठीक है, यूनिट की बात कर ली है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक नोट पॉइंट में लिखवाना चाहूंगा कि पावर फैक्टर यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अब भैया यूनिटलेस का मतलब उसका कोई मात्रक नहीं है, पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। पावर फैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? कास फाई से। का फाई की बात की जाएगी दोस्तों, फाई जो है एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल है, बोलेंगे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर है? बोलेंगे जी हाँ सर। आगे चले, अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग और जो भी हमारे पास पावर फैक्टर है इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यूनिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा बात होगा यूनिटी पावर फैक्टर की, यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। आखिर यूनिटी पावर फैक्टर क्या होगा, तो दोस्तों इसमें समझना होगा। अच्छा है, आप लोग ये मत समझिएगा कि हम ये जो है सारी चीजें फालतू में है, कुछ भी फालतू में नहीं है मेरे भाई। अब दोस्तों यहाँ पे हम यूनिटी पावर फैक्टर की बात करते हैं, तो यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि जब हम इसका फेजर खींचते हैं तो इसका वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। ये हो गया दोस्तों मेरा वोल्टेज और ये हो गया मेरा करंट, दोनों क्या है दोस्तों एक ही फेज में है या एक ही लाइन में है, तो इसे हम दोस्तों बोल देते हैं इसे फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट जो होता है हमारा एक ही फेज में होता है, कब? यूनिटी पावर फैक्टर के केस में। अब दोस्तों हम बात करता हूं पावर फैक्टर को, तो पावर फैक्टर क्या होता है, बोलेंगे सर कास फाई। अब दोस्तों मैं पूछूंगा फाई क्या है, तो बोलेंगे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है सर, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे सिंपल से में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है मेरे भाई कितना है, बोलेंगे सर ये तो जीरो है दोस्तों। तो पावर फैक्टर हमारा जो होगा, पावर फैक्टर कास 0 डिग्री, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ये तो सभी को पता है कि 1 होती है। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, बोलेंगे सर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा यूनिटी पावर फैक्टर का सिंपल सा मतलब क्या है। यूनिटी मतलब होता है 1। ठीक है, तो दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर कब आता है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हमारी सर्किट, लिख लीजिएगा, जब सर्किट प्योरली रजिस्टिव होती है या रजिस्टिव नेचर का होता है, जब सर्किट प्योरली रजिस्टिव नेचर का होता है। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, जब सर्किट प्योरली रजिस्टिव नेचर का होता है तो पावर फैक्टर यूनिटी प्राप्त होता है। ये चीजें आप लोगों को अपने नोट्स में अभी लिख लेना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे मैं जब थ्योरेटिकल बातें बताऊंगा तो ये सारी चीजें उसमें ना रहे, इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा फिर। ठीक है, क्योंकि जो मैं एक बार बता दूंगा उसको बार बार नहीं बताऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं उसी चीज को बार बार रिपीट करता रहूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि हम यूनिटी पावर फैक्टर कब बोलते हैं, ये बात आप लोग क्लियर हो गई, पहली बात तो क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बातों पे मैं रुख करने से पहले मैं आप लोगों को इसके आगे चलना चाहूंगा। हमारा क्या था, यूनिटी पावर फैक्टर था, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे में लीडिंग पावर फैक्टर की। ठीक है, इसकी लीडिंग पावर फैक्टर की। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति है तो आप हमसे अपना आपत्ति को व्यक्त कर सकते हैं, बाकी आप लोगों को कुछ नहीं समझना है मेरे भाई, जो मैं समझा रहा हूँ उसी को समझना है। मैं पावर फैक्टर के बारे में डेफिनेशन बताया, पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है मैं बता रहा हूँ, या कितने इसका नेचर क्या क्या है। ठीक है, तीन नेचर होते हैं, तीन नेचर रिप्रेजेंट करता है, पहला तो यूनिटी, दूसरा हमारा लीडिंग, तीसरा लैगिंग। इसके सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज मैं जो बोल रहा हूँ वही सारी चीजें सही है, ऐसा मैं कतई नहीं बोल रहा। पावर फैक्टर की बात की जाएगी तो पावर यहाँ पे लीडिंग की बात की जाएगी दोस्तों, तो हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फेजर से, ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों लीडिंग का मतलब होता है दोस्तों, सिंपल से समझिएगा कि जो वोल्टेज होता है यह जो है, यानी सॉरी करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री का लीडिंग लीड करती है। ठीक है, इतना समझिएगा कि जो करंट है मेरे भाई इसे हम करंट बोल देते हैं। ठीक है, कितना इसे हम कह रहे हैं दोस्तों, लीड कर रही है। ठीक है, 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है, आगे है,
इससे जो है दोस्तों, इससे जो है ये यानी वोल्टेज जो है दोस्तों, वोल्टेज से करंट हमारी आगे है, तो दोस्तों इसी हम कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। क्या कहेंगे? लीडिंग पावर फैक्टर। अब दोस्तों फिर से आप लोग आ जाइएगा वैसे अपना अप्रोच पे, पावर फैक्टर जो होता है कास फाइव होता है, और दोस्तों ये फाइव जो है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, तो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना है? बोलेंगे सर 90 डिग्री है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा सर? कास 90 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। और कास 90 डिग्री की वैल्यू जो होगी दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कास 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है जीरो होती है। तो दोस्तों इस केस में हमारे पास पावर फैक्टर जो होगा क्या मिल जाएगा? बोलेंगे सर यहाँ पे कोई पावर फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, यानी पावर फैक्टर हमारे पास जीरो आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि जो पावर फैक्टर जीरो आ रहा है किस केस में आ रहा है? बोलेंगे सर लीडिंग के केस में। तो सर लैगिंग के केस में क्या होगा? तो लैगिंग के केस में क्या होगा पावर फैक्टर? इन फेजर को आप लोगों को समझना है मेरे भाई, ठीक है, इन सारे फेजर को आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। तो जो है दोस्तों ये हमारा जो है एंगल है, इसी को हम फाई बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, यही हमारा जो होता है फाई होता है। अच्छा कभी कभी आप लोगों को इसी चीज को मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, एक वोल्टेज हो गया दोस्तों, और ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा करंट हो जाएगा। दोस्तों मैं कह दूंगा ये अब एंगल जो है फाई है, ठीक है, मैं इसको फाई बोल दूंगा, यही एंगल वाला जो है फाई, कास फाई जिसे मैं बोलता हूँ। अब दोस्तों ये जो सर्किट हमारी है प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, एक चीज ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, ये हमारी जो सर्किट अभी बनी है ये प्योरली प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। क्या है? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। अच्छा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर जो होता है लीडिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि हम अपने जब अपने सिस्टम का पावर फैक्टर बढ़ाना होगा तो हम कैपेसिटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। कभी भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पावर फैक्टर को हमें इंप्रूव करना है तो कैपेसिटर आएगा, और आगे हम चल के पढ़ेंगे भी। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि पावर फैक्टर को जब भी इंप्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे? कैपेसिटर को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों किसके लिए है? बोलेंगे सर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारा वोल्टेज करंट जो है आगे है, किससे? वोल्टेज से, ठीक है। तो आगे कौन है भैया? बोलेंगे ये हमारा करंट आगे है, किस केस में? लीडिंग के केस में, ये बात क्लियर रखना। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होता है, ये हमारा फेजर ए वाला बन जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर रखना अपना। अब दूसरी बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आप लोगों की कि लीडिंग पावर फैक्टर पाने के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर प्राप्त करने के लिए सिस्टम में कैपेसिटर जोड़ा जाता है, ठीक है, ये बात क्लियर रख लेना मेरे भाई, ठीक है। हम क्या करेंगे? जब भी हमें लीडिंग पावर फैक्टर जरूरत होगी तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? अपना कैपेसिटर को जोड़ेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर रखना। दो चीजें मैंने बता दिया, एक तो यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहेंगे यहां पे। अब हमारे पास एक पावर फैक्टर और बचता है जिसका नाम है दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। अब लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? लैगिंग का सिंपल सा मतलब है मेरे भाई कि जो वोल्टेज है या करंट जो होगी ये लैग करेगी दोस्तों, ठीक है, किससे? देखेगा दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूं जो सिंपल है मेरे भाई, जो उसको मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूंगा, बाकी इसका जो है दोस्तों आगे आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा। ये हमारे पास वोल्टेज है दोस्तों। अब कह रहे हैं कि लैगिंग के केस में क्या होता है, वोल्टेज जो है हमारा रेफरेंस वोल्टेज, हमने रेफरेंस पे ले लिया, अभी क्या कर रहा है दोस्तों, जो वोल्टेज है वोल्टेज से करंट, वोल्टेज से इससे बोलोगे, इससे वोल्टेज से करंट जो है दोस्तों कितना है? 90 डिग्री पीछे रहता है। किस केस में? बोलेंगे सर लैगिंग पावर फैक्टर के केस में। तो यहां हमारा करंट हो जाएगा। अब दोस्तों इसी फिगर को मैं यहां पे, भाई इसको थोड़ा सा छोटा बनाओ नहीं तो अभी बवाल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा वोल्टेज है, ये लैगिंग केस में इस तरीके से फिगर आपका बनेगा। अच्छा ये जो बातें मैं बता रहा हूँ सारी चीजें बीडबली की है मेरे भाई, और मैं इसीलिए बोलता हूँ बीडबली आप लोगों का बहुत अच्छे वे में स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों हमने क्या कहा, लैगिंग के केस में क्या होगा कि जो पावर फैक्टर होता है ये हमारा करंट होता है मेरे भाई, जो वोल्टेज है वोल्टेज से
ठीक है, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या रहती है, पीछे रहती है, पीछे मतलब हो जाएगा लैग कर रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की। अब दोस्तों इसके लिखने का बहुत सारा तरीका हो जाता है, सर बोलने का भी तरीका होता है। जैसे सर मेरा वोल्टेज है, मैं इस चीज को इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ, ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। क्या दोस्तों, वोल्टेज जो है, सॉरी करंट जो है, करंट इसको बोलिएगा, करंट जो है वोल्टेज से, ये जो है करंट, करंट मेरी जो है वोल्टेज से कितना पीछे भैया, तो बोलोगे 5 डिग्री पीछे है। कितना पीछे है, 5 डिग्री। इसी चीज को दोस्तों, या हम इसी चीज को और भी अपने लैंग्वेज में बोलना चाहें कि जो करंट, अब देखिएगा यहाँ पे मैं करंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरीके से वोल्टेज ले लेता हूँ। अब इसके इसके बोलने का तरीका क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्या बोलने बोल जाए बोलना पड़ेगा यहाँ पे, सेम टू सेम चीजें रहेंगी भाई। यहाँ पे जो है दोस्तों, जो करंट है, ठीक है, जो करंट है ये वोल्टेज से कितना पीछे है मेरे भाई, बोलेंगे 5 डिग्री पीछे है। पीछे रहेगी कि नहीं रहेगी, ये वोल्टेज है मेरे भाई, वोल्टेज कौन है, आगे है, पीछे कौन है, करंट। तो इस बात को ध्यान रख लेना है कि करंट हमारा लैगिंग ही रहेगा। यहां पे भी देख रहे हो कि वोल्टेज से करंट हमारा क्या है, पीछे है। ठीक है, करंट हमारी, देखिए वोल्टेज आगे ही रहेगा, सदैव आगे वोल्टेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा वोल्टेज हमारा आगे है, करंट हमारी पीछे है। ठीक है, चीजें सारी चीजें वही है, सेम टू सेम। तो इसे हम कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। अच्छा, लैगिंग के केस में अगर हम पावर फैक्टर कास फाई की बात करना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है, कास फाई की मैं बात करना चाहूंगा, तो कास फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर फैक्टर है, बोलेंगे दोस्तों इनके बीच का एंगल, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। अगर हमारी सर्किट प्योरली इंडक्टिव होगी तो पावर फैक्टर हमारे यहाँ पे कास फाई की जगह पे क्या रख दोगे, कास फाई बराबर 90 डिग्री रख दोगे, और 90 डिग्री जैसे ही रखोगे आपका पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। और हम कभी भी पावर फैक्टर को 0 नहीं रखना चाहते हैं, सिस्टम में हम अपने पावर फैक्टर को 0 नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। अब दोस्तों एक बात आती है, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा आप लोग कि सर ये तो 3 बातें आपने बता दिया, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी, सारी चीजें हो चुकी हैं। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सिस्टम नो लोड पे है, ठीक है, सिस्टम क्या है दोस्तों, नो लोड पे, तो नो लोड के लिए हमारा पावर फैक्टर क्या होना चाहिए। आपने बताया सर यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग, ये सारी चीजें समझ में आती है, बट आप बता दीजिए हमारे सिस्टम पे कोई लोड नहीं, अब पावर फैक्टर क्या होगा, तो लिख लीजिएगा दोस्तों, नो लोड पर पूरा लिख देते हैं पावर फैक्टर। अच्छा, पीएफ जहां लिख रहे हैं भैया, वो तो कोई पीएफ फंड वंड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर फंड ले लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पावर फैक्टर है, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर पढ़ रहे हैं। तो नो लोड पर पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, इस स्थिति में हमारा पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों, लीडिंग नेचर का होता है, लीडिंग होता है या लीडिंग नेचर का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये बातें सभी को क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, सभी को क्लियर हो रही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम जब भी बात करेंगे पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, सब लोग ध्यान रख लीजिएगा कि पावर फैक्टर जब भी कभी आप लोगों से कोई पूछ ले, तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कास फाई, और फाई आप लोगों को पता है दोस्तों वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। ऐसा मत कभी नहीं कहूंगा कि ये हमारा 90 डिग्री ही होगा, अगर कहेगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, उस केस में हमारा एंगल जो होगा दोस्तों 90 डिग्री होता है। बाकी अगर हमारा एंगल प्योरली और प्योरली की बात नहीं किया है, तब आप लोगों का एंगल जो होगा दोस्तों वैरी कर सकता है। ऐसा कतई नहीं कहूंगा कि हमारा 90 डिग्री है सदैव होगा, पावर फैक्टर 90 डिग्री सदैव नहीं होगा, पावर फैक्टर हमारा कम ही होगा, 45 डिग्री का भी हो जाएगा, कभी 35 डिग्री हो जाएगा, कभी 38 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से हमारी वैल्यू आती रहती है पावर फैक्टर की। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सभी की, बोलते रहेंगे आप लोग। अब दोस्तों हम कुछ चीजें और बात कर लेते हैं कि सर आखिर हमारे पास, हम इन लोड के बारे में क्या पढ़ेंगे, यानी पावर फैक्टर की बात हम करेंगे दोस्तों, और नो लोड, फुल लोड, नो लोड की बात हो गई सर, कि नो लोड पे हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। सभी को क्लियर है ये बातें, एक बार मैं एप्लीकेशन पे रुक करना चाहूंगा, देख लेता हूँ एप्लीकेशन पे क्या चल रहा है भाई, सभी लोगों का हल्ला गुल्ला तो नहीं चल रहा है, बोलेंगे नहीं सर कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, चलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं, बोल रहा है एक लड़का भोरे वाले बहोर, ठीक है, इनका नाम है बहोर वाले यादव जी, इनका नाम मैं जानता हूँ, क्या नाम था भाई इसका, ओम यादव है, ठीक है, तो ओम बोल रहा है, सबसे पहले श्री राम बोला, जय श्री राम, जय श्री राम मेरे भाई, गुड आफ्टरनून मेरे भाई, गुड आफ्टरनून, ओके सर जी, सर क्लास में मैं सर में
सर मैं आपका क्लास देख लूंगा डाउनलोड करके। देखो ऐसे ऐसे लड़के हैं, अभी बाइक चला रहा हूँ। अभी बाइक चला रहे हो तो कैसे देख रहे हो? अभिनय यादव, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। एस के एम स्टडी भाई आ गए क्या? गुड जॉब भाई। सूरज भान, हेलो मेरे भाई। ठीक है, तो चीजें आप लोग ध्यान रखना, पावर फैक्टर को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है, क्लियर है, सभी का क्लियर होना भी चाहिए। अब दोस्तों मैं कुछ लोड को लेके आप लोगों से बातें कर लेता हूँ कि आखिर हमारे पास प्योरली, देखिए दोस्तों क्योंकि ये चीजें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाएगी कि हमारा प्योरली रजिस्टिव लोड क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव लोड क्या होता है, चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाइएगा। दो चीजें मैं बात करना चाहूंगा, लोड हमारे पास यानी लोड के अकॉर्डिंग हम बात करना चाहते हैं। लोड के अकॉर्डिंग, तो लोड के अकॉर्डिंग हम पावर फैक्टर को दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए हम दो तरीके का डिवाइड कर लेते हैं और यूनिटी वाला हम बाद में देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो लोड हमारे पास दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक हमारे पास रजिस्टिव लोड होगा, अभी हम बात करें अभी के लिए। ठीक है, रजिस्टिव लोड। ठीक है, और दोस्तों हमारे पास क्या होगा, इंडक्टिव लोड भी होगा। इंडक्टिव लोड भी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है मेरे भाई, सभी की बातें क्लियर हैं कि लोड हमारे पास, लोड के अकॉर्डिंग हम पावर फैक्टर को डिस्कस करना चाहते हैं। लोड के अकॉर्डिंग हम पावर फैक्टर को डिस्कस करना चाहते हैं दोस्तों। जब भी हम बात करेंगे रजिस्टिव लोड की, तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर की हम बात करेंगे, रजिस्टिव लोड के लिए हमारे कौन कौन से लोड होंगे, पहली तो बातें हमारे यही होनी चाहिए सर कि लोड कौन कौन सा है। आ जाइएगा, आप लोग कलर ले रहे हैं, नहीं गुस्सा हो जाते हैं आप लोग। प्योरली रजिस्टिव की को प्योरली रजिस्टिव लोड जो होगा दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे लोड की बात करते हैं, लोड मतलब जो आपका घर में चलने वाले सारे इक्विपमेंट होते हैं उसे हम लोड बोलते हैं। तो लोड कौन कौन सा हो जाएगा सर? आपने हीटर देखा है, बोलेंगे सर हीटर तो सभी ने देखा होगा, हीटर होता है दोस्तों। गीजर आप लोगों ने देखा है, गीजर भैया पानी गर्म कर देते हो, गीजर तो सभी ने देखा होगा। इमर्सन हीटर देखा है मेरे भाई? इमर्सन हीटर देखा है कि नहीं देखा है? ये हीटर का काम क्या होता है भाई? पानी को गर्म करता है। और दोस्तों हमारा जो नॉर्मल एक साइट हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मशीन होती है, ये भी हमारा क्या होता है, प्योरली रजिस्टिव लोड होता है। फिलामेंट लैंप इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिलामेंट लैंप, ये सारी चीजें जो देखते हैं दोस्तों, ईटीसी मैं लिख देता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं दोस्तों रजिस्टिव लोड की या रजिस्टिव लोड नेचर की होती हैं। ठीक है, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इसमें रजिस्टेंस की वैल्यू देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रखती है। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों की। अब इंडक्टिव लोड की बात करते हैं दोस्तों। इंडक्टिव लोड हमारे पास देखिएगा दोस्तों, आप लोग इंडक्शन मोटर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सभी लोग पढ़े होंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इंडक्टिव की बात करना चाहूंगा, जब भी तो मोटर ले लीजिएगा, जनरेटर जरूर लीजिएगा, ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोटर जनरेटर, दो चीजें आप लोगों को इंडक्टिव लोड में याद रख लेनी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब दोस्तों और भी मैं बात करना चाहूंगा, इंडक्टिव में भाई अभी लैगिंग की हो जाएगी। ठीक है, इंडक्टिव कैसा होता है? लैगिंग नेचर का ही होता है। ठीक है, ये हमारा इंडक्टिव ही है, ये लैगिंग के लिए बताएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडक्शन फर्नेस भी होता है हमारे पास। अभी फर्नेस का मतलब होता है दोस्तों इंडक्शन भट्टियां जिसे बोलते हैं। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस मतलब भट्टियां, आर्क वेल्डिंग आप लोग समझते हो? आर्क, आप लोगों को आगे चल के वेल्डिंग भी पढ़ना है भाई, आर्क वेल्डिंग, इन सब जगहों पे आर्क लैंप, आर्क वाली जहां भी चीजें देखेंगे आप लोग मार दीजिएगा इंडक्टिव लोड, आर्क लैंप, ये सारी चीजों पे हम क्या करते हैं दोस्तों, अपना इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करते हैं। सर अभी एक लोड और बचता है, कैपेसिटिव के लिए आप क्या करोगे? अब दोस्तों हमारा मेन काम जो होगा, ये बातें आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है ना पूछी जाए, लेकिन ये वाली तो जरूर पूछी जाएगी। क्या सर? कैपेसिटिव लोड की मैं बात करना चाहता हूं। तो कैपेसिटिव लोड जो होगा दोस्तों, ये कौन कौन सा होगा हमारे पास, कैपेसिटिव लोड की बात करेंगे दोस्तों। तो सिंपल से मैं जो चीजें अभी लिख रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से दोस्तों। हमारे पास जो लोड की मैं बात करना कहना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे पास केबल जो होता है दोस्तों, एक कैपेसिटिव लोड का होता है। ठीक है, अंडर लोडेड यानी जो कम लोडेड, यानी अंडर, ये बात ध्यान रखिएगा, अंडर लोडेड जो लाइन है दोस्तों, ये भी हमारा किस नेचर का होता है, बोलेंगे कैपेसिटिव नेचर का होता है। लोड का मान हम कह रहे हैं दोस्तों अंडर कर रहे हैं, यानी कुछ
ज्यादा नहीं कर रहे हैं ना ही बहुत कम कर रहे हैं, बहुत हम क्या कहना चाहते हैं बीच में रहना चाहते हैं। तो अंडर लोडेड वाली जो लाइन रहेंगे दोस्तों उसका भी पावर फैक्टर कैसा होता है, कैपेसिटिव होता है। डाइलेक्ट्रिक फर्नेस आप लोग जानते हो, ये सारी चीजें आप लोगों को अभी याद करना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक फर्नेस ये भी हमारा किस नेचर का होगा, कैपेसिटिव नेचर का होगा दोस्तों। ओवर ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन की मैं बात करना चाहूंगा, ये भी हमारा कैसा होगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा कैपेसिटिव लोड होगा। ये दोस्तों ध्यान रखें कैपेसिटर बैंक ये बढ़ने वाले हैं हम आगे चल के, ठीक है। कैपेसिटर बैंक जो होता है दोस्तों ये भी हमारा किस नेचर का होगा, तो बोलेंगे दोस्तों कैपेसिटिव लोड का होगा, कैपेसिटिव नेचर का होगा। ये सारी चीजें जो देख रहे हो दोस्तों ये हमारी सारी चीजें जो है दोस्तों कैसी नेचर की होंगी, तो बोलेंगे सर ये लीडिंग पावर फैक्टर का होगा। इन सारी चीजों का जो होगा पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा हम अपने सिस्टम का क्या करना चाहते हैं, हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करेंगे जब भी, यानी पावर फैक्टर बहुत खराब रहेगा तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर को जरूर ऐड करेंगे। तो ये बात अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि पावर फैक्टर को कभी भी हमें इंप्रूव करना होगा तो हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। अब दोस्तों हमारा लो पावर फैक्टर का होने से क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं दोस्तों, पावर फैक्टर के सही या खराब होने से क्या होता है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है उसके एनर्जी कंजप्शन पे प्रभाव पड़ता है। सर इसका क्या मतलब है, देखिए दोस्तों अगर खराब पावर फैक्टर होगा तो उसको जो वोल्टेज है दोस्तों वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, वोल्टेज को हमें बढ़ा के रखना होगा, क्योंकि उसके घर का लोड जो है दोस्तों कई प्रकार के नेचर के हो सकते हैं, लीडिंग भी हो सकता है लैगिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि पावर फैक्टर हमारा सदैव अच्छा ही बना रहे, ठीक है। बाकी आप लोगों को इतनी बातें हमने बात करी भाई। अब दोस्तों हम पावर फैक्टर को बात करेंगे, दोस्तों पावर फैक्टर हमारे पास कई तरीके के रहेंगे, मैंने बताया वो मेरे भाई, अब इसके बाद हम पावर की बातें कर लेंगे दोस्तों। पावर हम अपने अगले वाले सेशंस में बात करेंगे, पावर की बात कर लेंगे और इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर की भी बातें कर लेंगे, ठीक है। यानी लो पावर फैक्टर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी जाते जाते मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देना चाहूंगा कि जब भी पावर फैक्टर की बात की जाएगी, ठीक है, तो पावर फैक्टर यहाँ पे पावर इक्वल टू होता है दोस्तों वीएल आईएल कॉस फाई होता है, पावर फैक्टर है कॉस फाई। अगर हमें पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है सिंगल फेज का, फॉर ये लिख लीजिएगा फॉर सिंगल फेज सप्लाई, अभी तो आपने सिंगल फेज की सप्लाई बात किया सर, आगे हमारे पास थ्री फेज की सप्लाई होगी तो उसके लिए क्या होगा, P इक्वल टू तब हो जाएगा अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कास फाई, ये बात भी क्लियर रखना अपना, फॉर थ्री फेज सप्लाई। अब दोस्तों यहां से हम दोनों चीजों को निकाल सकते हैं, करंट को निकालना है, अब पावर फैक्टर को निकालना है, या करंट को, जो भी चीजें निकालना होगा हम सिंपल से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यहां से करंट को कैलकुलेट करना होगा, वोल्टेज को कैलकुलेट करना होगा, सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना आप लोग। सर क्या हमारे एग्जाम में ऐसे ही आएगा, नहीं मेरे भाई आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आने वाला है, मैं आपको अगले वाले सेशन में क्या क्या चीजें आएंगी क्या क्या चीजें नहीं आएंगी उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आखिर हम पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करेंगे, ये हर एक चीज आप लोगों को अगले वाले सेशन में बात की जाएगी। बाकी क्लासेस जो चलेंगे दोस्तों एप्लीकेशन पे आप लोगों की चल ही रही हैं, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक अपने कोर्सेज को इनरोल नहीं किया है जल्दी से जल्दी अपने कोर्सेज में इनरोल हो जाइए, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बाकी आपका एग्जाम का जो है शेड्यूल भी मुझे लगता है आ ही चुका है भाई, जून के लास्ट वीक से स्टार्ट है भाई, मैंने बोला अभी शुरू में यही बोल दिया था जून के लास्ट वीक जुलाई के फर्स्ट वीक तक जाएगा, फिलहाल वही सारी चीजें हो रही है भाई। देखो मैं अभी 2021 से पढ़ा रहा हूँ, अब 2021 से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पास इतनी नॉलेज तो हो ही गई है कि मैं चीजों को जान गया हूँ कि आखिर इसका सिस्टम क्या चलने वाला है, और हो सकता है इसमें भी देरियां हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वो 15 तारीख तक अपना ये जो जेई कप वाला करा लेता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम करा लेता है, तो हो सकता है कि आपका जो है एग्जाम वहां से शुरू हो जाए। बाकी बाद की बातें करते रहेंगे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अपना जो है नोट्स इसका जरूर बना लीजिएगा, जो भी चीजें मैंने आज समझाई, पावर फैक्टर क्या होता है इसके डेफिनेशन को जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा,
ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी हम आप लोगों से मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।